गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी डिलीशियस मालपुए की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हमने खोए की स्टफिंग की है। तो इसमें ना तो बेलने का झंझट है, ना इसको भरने का झंझट है, और इसको आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। और सिर्फ 100 ग्राम खोए से आप इसको बना सकते हैं, और ये खाने में किसी भी अच्छी डिलीशियस मिठाई से बहुत ही यम्मी है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सुमन। आज मैं आपके लिए मालपुए की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि होली आने वाली है, और होली पे मालपुए जरूर बनाए जाते हैं। गाइज, ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं, और बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं चाहिए होती हैं बनाने के लिए। बहुत ही कम चीजों से, घर में रखी हुई चीजों से हम इसको रेडी कर सकते हैं। खाने में तो टेस्टी ये होते ही हैं। इसमें हम लोग खोए की स्टफिंग करेंगे, जिसे और भी ज्यादा टेस्टी बनेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, चलिए बनाना शुरू करें। गाइस, सबसे पहले हम मालपुए के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप यानी 250 ग्राम करीब चीनी ली हुई है। तो इसी कप से जस्ट हाफ हमें पानी लेना है। तो ये जो हम चाशनी बनाएंगे, तो ये इस तरह की चाशनी हमें बनानी है कि बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसी रेशियो में बनाएं, जस्ट हाफ आप पानी लें। गैस की फ्लेम गाइस हमें मीडियम पे रखनी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर यानी सफ़ेद इलायची का पाउडर डालेंगे। तो ये आप अंदाजे से डाल लें। दो चुटकी करी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही जब हमारी चाशनी में अच्छा सा बॉयल आने लगे, तो हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे। 5 to 6 ड्रॉप आप अंदाजे से इसमें डाल दें। तो इससे गाइस क्या होगा कि ये क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी इसमें सूखेगी नहीं जल्दी, और इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी नींबू की। चाशनी को बनाने के बाद ही हम इसकी फिलिंग को भी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम खोया, जैसे मैं आपको बता रही थी, बहुत ही कम खोया चाहिए इसके लिए, तो उसको ले लिया। उसको पहले आप थोड़ा सा गर्म कर लें, सॉफ्ट कर लें, और इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, सफ़ेद इलायची का पाउडर मैंने ऐड कर दिया, और जो आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो उसको आप फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही एक चम्मच इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, येलो कलर है ये। तो इसको मैंने एक चम्मच दूध में भिगो दिया था। एक पिंच करीब आप लें, ज़्यादा नहीं लें। तो ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। गाइस, अब हम मालपुए के मिक्स को रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा ली है। तो अंदाजे से आप 200 ग्राम यानी एक बड़ा कप मैदा ले लें, और इसमें 5 to 6 टेबलस्पून यानी कि थोड़ी सी हमें इसमें सूजी भी डालनी है। तो गाइस, सूजी डालने से बहुत ही यम्मी हमारे मालपुए बनते हैं, सिर्फ सूजी में भी बनाए जाते हैं। गाइस, यहाँ पे हम मालपुए बना रहे हैं, तो मालपुए को मिक्स करने के लिए हम पानी की जगह दूध को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही टेस्टी हमारे बहुत ही बढ़िया मालपुए बनेंगे। तो करीब 1 ग्लास दूध हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो एक साथ नहीं डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें। गाइस, यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध यूज़ किया है, तो इसको आप ले लें, और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं लें, फ्रिज का डायरेक्ट निकला हुआ ना लें, और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। तो इसमें ऐड करें, तो इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें सफ़ेद इलायची के पाउडर को करीब 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ ही 2 बड़ी चम्मच हम इसमें चीनी को भी ऐड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये थोड़े से मीठे रहेंगे, तो चाशनी तो हम इसमें डालेंगे ही, लेकिन इससे थोड़े टेस्टी भी बनते हैं ये। तो इसीलिए हमने इसकी जो फिलिंग थी उसमें भी 1 चम्मच चीनी हमने ऐड की थी, उसके साथ ही 2 चम्मच हमने इसमें इसके बैटर में ऐड कर ली है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीब 15 मिनट्स के लिए। तो जितनी देर आप इसको रखेंगे उससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके बाद गाइस हमें थोड़ी मेहनत करनी है, और इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। जितना हो सके आप इसको मिक्स करें, खूब अच्छे से फेंटें, तो उससे क्या होगा कि हमारे मालपुए खूब अच्छे फूल के बहुत बढ़िया बनेंगे। तो आप देखते हैं गाइस, ये पूरा ही दूध करीब यूज़ हो गया है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। देखिए गाइस, जैसी हमें चाहिए, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन लिया हुआ है, तो इसमें हम घी या रिफाइंड जो आप डालना चाहें, मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। गाइस, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो हमने जो फिलिंग बनाई थी, तो उसकी हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। तो हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। गाइस, अब सब कुछ रेडी है, तो चलिए हम अपने मालपुए को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पुए हमारे ऊपर से जल जाएंगे। तो मीडियम पर आप फ्लेम कर दें सबसे पहले, और इस तरह से एक गहरा एक चमचा ले लें। इसको हम मिक्स से फुल कर देंगे, और इसके साथ ही जो हमने बॉल्स बनाई थी, तो उसको हम इसमें अच्छे से प्रेस करके डाल देंगे, और इसको धीरे से हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये बिल्कुल नहीं फटी हैं, और बहुत अच्छे से इसके बीच में सेट हो गई जो हमने फिलिंग बनाई थी। और साइड से इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी इसमें डाल दें, जिससे ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। तो गैस की फ्लेम को ना ज़्यादा लो पर रखना है, ना ज़्यादा हाई पर रखना है। लो पर रखने से क्या होगा, ये थोड़े टाइट से हो जाएंगे, और हाई पर रखने पर जल जाएंगे।
तो आप देख रहे हैं कि फ्राइंग पैन में बनाना बहुत इजी होता है। तो इससे क्या होता है कि हम इसको अच्छे से एक अच्छी सी शेप भी आ जाती है और इसको सेकने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको फ्राइंग पैन में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम इसको फ्लिप करके अच्छे से सेक लेंगे और जब ये गाइस हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप इस तरह से प्रेस करके इसको निकाल दें। गाइस आप देख रहे हैं हमारे मालपुए कितने अच्छे सिके हैं और बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। जो इसके अंदर हमने फिलिंग बनाई थी वो बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गई है और बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि हमने इसको कैसे बनाया। तो अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो इसको इस तरह से आप इसमें जो खोए की फिलिंग है उसको डाल दें। आप देख रहे हैं इसको जैसे ही हम ऑयल में डालते हैं अपने पुए को तो ये अच्छे से फैल जाते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल जैसे खोया पूड़ी होती है उस तरह के बने हैं। तो इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरह से गाइस हम सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गाइस आपने देखा कितना इजी है मालपुए को घर में बनाना और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब हम इसको अभी चाशनी में डिप करेंगे फिर आप देखिएगा बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो इनको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आपने देखा मैदे से, दूध से और थोड़े से खोए से ही हमने इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरह का आप एक जो चमची से अगर आपने सभी को एक जैसा बनाया तो एक जैसे साइज़ में ये बनेंगे। आप देख रहे हैं अभी भी बहुत सॉफ्ट है और जिसका खोया है कहीं से भी बिल्कुल नहीं निकला है और ना ही हमारा ऑयल ख़राब हुआ। तो गाइस अब हम इसको चाशनी में डिप करेंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है इसलिए हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इतने मिक्स में गाइस करीब 10 पुए बनके रेडी हुए हैं। तो इन सभी को हम इस चाशनी में डिप कर देंगे और इसमें हम इसको 10 मिनट के लिए लगभग छोड़ देंगे। तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसमें छोड़ दें जिससे कि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और इसमें जो हमने सूजी मिलाई है अपने पुए में तो वो भी चाशनी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। तो इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे हमारे पुए। गाइस करीब 15 मिनट्स हो गए हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मालपुए कैसे बने हैं। तो इसने शुगर सिरप को अच्छे से सोख कर लिया है तो अब इसको हम निकाल देंगे। गाइस निकालेंगे हम इसलिए क्योंकि इसमें नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा चाशनी रहेगी तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो थोड़ी सी चाशनी हमारी बच गई है तो उसको हम अलग रख देंगे, वो किसी और उसमें काम आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं बहुत ईजी है और जो हमारा थोड़ा सा खोया जो 100 ग्राम में भी थोड़ा बच गया था तो करीब हमारी 4 बॉल्स बच गई थी। तो उससे हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक काजू को अच्छे से ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। तो आप जो डालना चाहें, आप जिस तरह की इसकी गार्निशिंग करने चाहें तो आप उसको कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर फॉयल भी मैं इसको लगा दे रही हूँ जिससे इसमें फेस्टिवल का लुक आने लगेगा। तो गाइज़ आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना जूसी कितना यम्मी हमारे मालपुए बने। इसके साथ ही ये काफ़ी सॉफ्ट भी बने हैं। तो आप इसको बच्चों को, बड़ों को, सभी को बना के दे सकते हैं, गेस्ट को बना के आप खिला सकते हैं। तो इस होली पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।